अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एवन करीमर फिशिंग पैड। आज बैट कास्टिंग कैसा सेटअप करना वो बता रहा हूँ। पहले जो सो ये स्पिनिंग और बैट कास्टिंग दोनों भी खेल सकते हैं राड से। ये सीरा की ब्लू स्टॉम राड है और रील जो सो लुकाना तका गुना है। ये देखिए, ये जो क्लिप आता है इसको यहाँ पर ऐसा लगाना है, नीचे लगा के फिर ऊपर से टाइट करना है। देख सकते हैं ये सेटअप, ये राड हो गई, राड लगा के देख लेना है, ये गाइड्स पूरे जो सो स्ट्रेट एक लेवल में रख लेना। अब ये जो लाइन है, लाइन इसमें से निकालना। आज तक कोई घीटी सही डाल के रखे तो वो लोग को चल जाता है। ये छोटा दिख रहा, देखो होल, होल में से डाल के इसमें से तागा निकालना है। आपको मेन बैग कैसा एडजस्ट करना वो भी बता दूँ। ये हो गया है। अब इसको मेंढक लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ सामने एक घीटी डाल लिया तो अच्छा रहता। एक घीटी में से ये जो मेंढक का रहता, ये हमने एक स्नैप लगा है इसको, इसको नहीं आता है, एक्स्ट्रा लगा है, कहीं वो तो मेंढक चेंज करने आसानी होती होगी। इसमें डाल के ये फ्रॉक को ऐसा निकाल लो, ख़त्म। घीटी हुए मारने की जरूरत नहीं, बस ये हो गया आपका सेटअप। अब मेंढक सर्ट करने के ऐसे, ये देखिए मेंढक बटन प्रेस करने फास्ट उतर जा रहा, तो ऐसा कभी भी नहीं रखना। इसकी वजह से आपको लाइन में चिकन गिरते रहते हैं। ये थोड़ा पहले ये छोटा नाप जो है इसको टाइट कर लेना है। ये नाप को, नाप को टाइट करके फिर ये बटन दबाने के मेंढक देखो स्लो उतरना है, अभी भी फास्ट है, और थोड़ा टाइट कर लेना। इससे क्या है, बैकलेस ज़्यादा नहीं आता। अब खेलने का जब रहता बस प्रेस करके फेंके तो बस बैकलेस नहीं आया और वहाँ मेंढक भी आपको गिर गया। ये रहता इसका सेटअप, जो बैकलेस आने का प्रॉब्लम रहता वो नहीं आता। ये थोड़ा हार्ड रख के स्टार्टिंग में खेल ले तो, और स्पिनिंग में जैसा झटका मारते आप लोग उस तरह का झटका नहीं मारना। मैं लपट रहा हूँ, देखिए इंशाल्लाह जो शिकार होता है, शिकार का हो सके तो वीडियो भी बनाऊँगा। ये तो बैट कास्टिंग का सेटअप है, ऐसा रहेगा आपको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये देख सकते हैं आज का शिकार है, देखो फ्राक देख सकते हैं, स्नेक हेड सीरीज का है, 14 ग्राम्स का फ्राक है। ये आज का शिकार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये देखिए आज का शिकार है, देख सकते पूरे मरला है। आज एक लाइव डाला भी था कौन से फ्राक पे खेला था, वो भी देख सकते वीडियो में। और ये बैट कास्टिंग का सेटअप का ही वीडियो बनाया था पूरा। आज ये जो वीडियो है देखिए, इंशाल्लाह आपको बैट कास्टिंग जो भी कर रहे वो लोग के लिए अच्छा रहता। ठीक है, शुक्रिया।